कभी भूखा नहीं सोएगा, वजीर आजम ने लंगर प्रोग्राम का अफ्तताह कर दिया। अफ्तताह के दौरान वजीर आजम को प्रोग्राम की ब्रीफिंग दी गई, मंसूबे की वसत से आगाह किया गया। वजीर आजम कहते हैं मुहैया हजरात प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए रब्ता कर रहे हैं, मेहनतकशों का ख्याल रखेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं, सेहत कार्ड शहरियों को रिलीफ देगा। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की सदा मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फरकीन को नोटिसेस जारी, अगली समाप्त 22 मार्च को होगी। वीडियो में शामिल एमएनएस को लाजमी फरीक बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। गिलानी फैसल वाउजर समेत तमाम सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हमारे सबूतों में ही जान है, इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। फरक हबीब कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी की नाअली तक चैन से नहीं बैठेंगे। कमल शाहब ने कहा इलेक्शन कमीशन वोट खरीदने वालों को मौका दिया जा रहा है। मालिका बुखारी ने कहा कि हमारा दरख्वास्त का पहला हिस्सा काबिल समाप्त करार दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के लिए रिलीफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आजम के सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फॉर्म से रजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स लिए कि आपने वोट फरोख्त होने के जो इल्जाम लगाए उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। इस मामले में आपका सबूत वीडियो है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वीडियो को अदालत में साबित करना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी फोरम है, वही इसका फैसला करेगा। गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलों में लाना ठीक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से सादिक संजरानी की मुलाकात, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से फवाद चौधरी, बैरिस्टर अली सैफ की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए आज इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब सादिक संजरानी ही जीतेंगे, शेख रशीद का दावा। कहते हैं कि अपोजिशन ने जो हफीज शेख के इलेक्शन में किया हम भी करेंगे। नून लीग के सेनेटर भी सादिक संजरानी को वोट देंगे। सेनेट इलेक्शन में अभी जो बिका उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सादिक संजरानी की जीत के लिए जमहूरी कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन खरीदो फरोख समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके अपोजिशन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, शिपली फराज के ट्वीट। शहीद गनी कहते हैं कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन शिपली फराज के बयान का नोटिस लें। शिपली फराज ने हर तरह से सेनेट के इंतखाबात जीतने का दावा किया है, मतलब ये लोग धवस और धांधली से काम लेंगे, इनके पास नंबर भी बहुत होंगे। पंजाब के 7 शहरों में तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद करने का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी शामिल। इम्तिहानात पे पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। दीगर शहरों में 50% बच्चों को एक दिन स्कूल आने की इजाजत। इंडोर शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर 15 अप्रैल तक पाबंदी बरकरार। आउटडोर शादी के लिए 300 लोगों की इजाजत। 50% मुलाजमीन के घरों से काम करने की पॉलिसी पर अमल होगा। पार्क्स शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की शरह में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मास्क का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी के असूल पर अमल करें। जरूरत के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। 12 अप्रैल को फैसलों पर दोबारा नजरसानी इजलास होगा। शफकत महमूद बोले सिंध और बलोचिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में है। पंजाब, केपी और आजाद कश्मीर में कुछ मसाइल का सामना है। सूबाई हुकूमतें हालात के पेश नजर कोई भी फैसला करने में खुद मुख्तार हैं। पीटीआई वाले अवामी मैदान से भाग चुके, मुकदमों के पीछे छुपते हैं। NA-75 के इलेक्शन को साजिश के तहत चोरी करने की कोशिश की। 18 मार्च को मैदान सजेगा, नून लीग की पता होगी। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कलबरी क्वीन और पर्ची चेयरमैन बरों की करप्शन बचाने की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना को पीटीएम की सदारत माल बनाने की सलाहियत पर दी गई। पीटीएम का मकसद करप्शन बचाओ दोबारा खाओ तजर्बे पर अमल दरामद है। पीटीएम में मौजूद हर किरदार करप्शन के समंदर में गोतासर रहा है। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश, कहा गुज़िश्ता समाअत पर कमर में तकलीफ के बायस हाजिर ना हो सका। सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट करने के लिए मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद गया। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने वालिद की खैरियत दरियाफ्त की।